डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर जो 6 है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर है, दो पार्ट में रहेगा। और जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम जो टिश्यू है, टिश्यू की डेफिनेशन और प्लांट में जो टिश्यू के टाइप, मेरिस्टमेटिक टिश्यू उसके टाइप हैं जो, उसके बाद परमानेंट टिश्यू उसके जो आगे टाइप्स हैं उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। और तो लास्ट में हम जो टिश्यू सिस्टम है प्लांट के अंदर जो पाए जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम जो रूट है, स्टेम है और लीव्स हैं, इनकी जो एनाटॉमी है, और एनाटॉमी दोनों की देखेंगे हम, मोनोकोटिलेडन की और डाइकोटिलेडन की। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी ग्रोथ। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि कॉमन ओरिजिन है और यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। तो ये डेफिनेशन प्लांट हो या एनिमल हो दोनों में लागू होती है कि जब सेल्स हैं, एक जैसी जो सेल हैं वो जो ग्रुप बनाती हैं, उनका जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से बनी हुई होती हैं और उनका जो फंक्शन है वो भी एक स्पेशलाइज्ड, एक कॉमन फंक्शन वो सारी सेल करती हैं, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू के जो प्लांट्स में टाइप हैं उनको हम समझते हैं। तो प्लांट टिश्यू मेनली टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइडिंग कैपेसिटी लिए होते हैं, जो डिवाइड कर सकते हैं, और जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है वो आगे तीन प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इनकी पोजिशन के बेस पे ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो एपिक्स पे, जो टिप पे पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम, जो आगे हम देखेंगे दो टाइप का होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि एपिकल मेरिस्टेम से नीचे प्रेजेंट रहता है, इंटरकैलरी एक्जियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है जहाँ से ब्रांचिंग वगैरह निकलती हैं। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम जो कि जो विड्थ है, जो कि ग्रीथ है, मोटाई है स्टेम की, उसको बढ़ाने में मदद करता है, स्टेम है या रूट है उसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। उसके बाद जो परमानेंट टिश्यू है उसके आगे दो टाइप रहेंगे, सिंपल, सिंपल में एक ही टाइप की सेल मिलती है, कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। सिंपल आगे तीन टाइप का रहेगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा भी दो टाइप की, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो भी आगे टू टाइप का होता है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। तो इन्हीं का डिटेल हम इस पार्ट में देखेंगे। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं जिसके अंदर जाइलम और फिलोएम, और इनके भी आगे फर्दर कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। जाइलम के चार कंपोनेंट होते हैं जबकि फिलोएम में पाँच कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू से। ग्रीक वर्ड है ये मेरिस्टोस, इसका मतलब होता है डिवाइडेड। तो स्पेशलाइज्ड रीजन होता है ये जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन पाया जाता है। तो इन टिश्यू की खास बात होती है कि ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, तो इसके टाइप हम देखेंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम एट द टिप ऑफ द रूट, रूट के बिल्कुल टिप पे पाया जाता है, जिसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और जो सूट है, जो स्टेम है, ब्रांचेज हैं, तो सूट के जितने भी अलग अलग पोर्शन है उनकी भी टिप पे पाया जाता है, जिसको सूट एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। लेफ्ट बिहाइंड एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट एक्जिलरी बड फॉर्मिंग ए ब्रांच और ए फ्लावर। तो इसका जो पीछे रहा हुआ जो भाग होता है, जैसे जब ग्रोथ करता है स्टेम, तो कुछ ना कुछ पोर्शन है एपिकल मेरिस्टेम का पीछे रह जाता है, और वो बाद में क्या करता है, जो कि एक्जिलरी जो ब्रांच हैं, साइड वाइज जो भी लेटरल ब्रांच होती हैं उनको बनाता है, जो फ्लावर वगैरह है, फ्लावर बड है, वो भी इन्हीं से बनता है। स्पेसिफिक रीजन प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। तो कुछ जगह पे यही जो टिश्यू है वो डर्मल स्किन का टिश्यू बनाता है, ग्राउंड टिश्यू जो पैकिंग का काम करते हैं। और जो हम टिश्यू सिस्टम है लास्ट में, इस पार्ट के लास्ट में देखेंगे, जो तीन प्रकार के जो टिश्यू सिस्टम है वो भी इसी मेरिस्टमेटिक टिश्यू से बनते हैं। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ये जो टिश्यू है वो मैच्योर टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ग्रासेज के अंदर, एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूविंग बाय ग्रेजिंग हर्बिवोर्स। तो ग्रासेज के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है कि जब कोई भी जो पशु है उनको, आवारा पशु जब उनको खा जाते हैं, तो ग्रासेज के अंदर वहीं से ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, जो उनकी रीजनरेशन में मदद करता है, दोबारा से प्लांट पार्ट बनाने में मदद करता है। उसके बाद सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम अकर्स इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। ये मैच्योर रीजन में पाया जाता है, जो रूट और शूट एक बारी ग्रोथ कर जाती हैं तो बिल्कुल पीछे जो पार्ट है वो यही रहता है। प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटरल और सरेंडर लेटर
एंड आर सिलेंड्रिकल। तो ये ग्रोथ के बाद से मिलता है, बाद में मिलता है जब एक नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो सिलेंड्रिकल शेप के पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है जो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है वुडी प्लांट्स के अंदर डाइकोटलेडन में, वो सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। एग्जाम्पल है जैसे फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम, इनके बारे में सेकेंड पार्ट में डिस्कशन रहेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू, और एक इसके लिए सेकेंडरी जो टिश्यू होता है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं जो कि एपिकल मेरिस्टेम में सूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो जो टिप वाला रीजन होता है ये बिल्कुल सेल है यहाँ पे कॉम्पैक्ट मिलेंगी, और ये बिल्कुल हाईली डिवाइडिंग पोर्शन होता है। और उसके बाद, और ये रियल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, जब हम सूट के बिल्कुल टिप को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो इस तरीके की दिखाई देती हैं। और उसके बाद यदि हम रूट को, रूट टिप को जैसे माइटोसिस स्टडी करते हैं ओनियन के अंदर, तो ओनियन रूट टिप को जब देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में वो भी जो बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन होता है टिप वाला पोर्शन, तो वो रूट एपिकल मेरिस्टम बनाता है। तो उसके बाद डायग्राम में हम अलग अलग मेरिस्टम पढ़ सकते हैं। जो टिप वाला रीजन होता है वो एपिकल मेरिस्टम होता है, किनारे पर प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो बीच में पोर्शन रह जाता है, जो कि ब्रांचिंग वगैरह है, ट्री जो भी फ्लावर वगैरह है वो भी प्रोड्यूस करता है, और साथ में जो ग्रासेज वगैरह है उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि ऊपर वाला पोर्शन है वो खा लिया जाता है ग्रासेज उसके द्वारा, हर्वे जो ग्रेजिंग एनिमल है, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है वो ग्रोथ आगे रेगुलर रखता है। जो लेटरल मेरिस्टम है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन में पाया जाता है, जो कि मोटाई है जो स्टेम की या रूट की उसको बनाए रखने में, उसको बढ़ाने में मदद करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। उसके बाद थोड़ा सा और रियलिस्टिक पिक हम देख सकते हैं यहाँ से, जो सूट है उसका जो बिल्कुल टिप वाला पोर्शन होता है वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। जो नोड है वहाँ पे इंटरकैलरी पोर्शन पाया जाएगा, जो कि ब्रांचिंग वगैरह है वो आगे क्रिएट करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो कि स्टेम की जो मोटाई है उसको बनाए रखने में मदद करता है, और इसी प्रकार से जो रूट का बिल्कुल टिप वाला पोर्शन होता है जो बाहर से दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर एनाटोमिकल, हमने पिछले स्लाइड में देखा है, तो वो एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू और इसके जो टाइप हैं। न्यूली फॉर्म्ड सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। तो जैसे ही मेरिस्टमैटिक टिश्यू से जो नई सेल बनती हैं डिवाइड हो के, तो वो जो नई सेल हैं वो आराम आराम से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाती हैं। वो अपने काम में अलग अलग ढंग से अपनी शेप है वो चेंज कर लेती हैं, जो भी इनको काम करना होता है, और जिसकी वजह से वो अपनी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको खो देती हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू कहलाता है। डू नॉट डिवाइड फर्दर, तो इनकी खास बात रहती है कि वो डिवाइडिंग करने की जो कैपेसिटी है वो खो देती हैं, आगे डिवाइड नहीं होती। तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू जिसके अंदर जो सारी सेल हैं वो एक ही प्रकार की पाई जाती हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। एग्जाम्पल रहेंगे इसके या फिर टाइप रहेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद का टॉपिक यही रहेगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी रहेगी। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जो सेल हैं वो अलग अलग टाइप की देखने को मिलती हैं, लेकिन वो सारी जो सेल हैं अलग अलग टाइप की जरूर होती हैं, लेकिन एक साथ मिलकर काम करती हैं, एक यूनिट में काम करती हैं, और टाइप रहेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट्स विद इन ऑर्गन, काफ़ी सारी जगह पे देखने को मिलती है ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है। इसकी जो सेल हैं वो स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगनल, इलोंगेटेड, आइसोडाइमेट्रिक सेल देखने को मिलती हैं। गोलाकार शेप, अंडाकार शेप, गोल शेप भी मिल सकती है, पॉलीगोनल, अलग अलग जो जियोमेट्री है जिसमें काफ़ी सारी जो साइड हैं वो देखने को मिल सकती हैं। इलोंगेटेड लंबी सेल भी देखने को मिल सकती हैं। आइसोडाइमेट्रिक सेम डायमेट्रिक के अंदर भी सेम जिसका डायमीटर रहेगा उस टाइप की जो सेल हैं वो देखने को मिलेंगी। थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, तो इनकी जो सेल वॉल है वो पतली होती है, थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। आइदर क्लोजली पैक्ड, हो सकता है जो ये सेल हैं वो बिल्कुल पास पास में पैक्ड हो, लेकिन ज़्यादातर इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो देखने को मिलता है। फंक्शन क्या करते हैं, जो भी फोटोसिंथेसिस की सेल होती हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं, और सीक्रीशन कुछ ना कुछ सब्सटेंस है वो सिक्रीट करेंगी, कोई पदार्थ सिक्रीट करने का भी काम करती हैं, जैसे अलग अलग जो प्लांट प्रोडक्ट हैं गम वगैरह, रेजिन वगैरह, वो भी सिक्रीट करने का ये काम कर सकती हैं, पैरेन्काइमा है। उसके बाद है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ कोटलिडन डाइकोटलिडन प्लांट्स, जिनके अंदर दो कोटलिडन होती है वुडी प्लांट जो होते हैं उनके अंदर एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा पाया जाता है, और ये होमोजीनियस लेयर
और इन पैचेज, ये हो सकता है एक जैसी लेयर में हो, एक जैसी कंपोजिशन में हो सकता है, कुछ जगह जगह पे झुंड बना के रहे, ग्रुप्स में रहे, एक जैसा ही नहीं भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस नेचर में भी पाया जा सकता है। जो सेल की शेप है वो ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगनल सेल थी कनेक्ट द कॉर्नर। तो ये खास बात रहेगी, इसकी जो सेल्स हैं हालांकि शेप ऊपर जैसी ही रहेंगी लेकिन कॉर्नर से मोटी होती हैं, सेल की जो मोटाई है कॉर्नर पे बढ़ जाती है। किसकी वजह से? यहाँ पे जो सेलुलोज है, हैमी सेलुलोज है, ये पैक्टिन है, ये सब्सटेंस कॉर्नर पे डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मोटाई वहाँ पे सेल वाल मोटी होती रहती है कॉर्नर से। आप ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, नो इंटरसेलुलर स्पेस, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं देखने को मिलेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल स्पोर्टर, जो इनका काम रहता है वो ग्रोइंग जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनको मैकेनिकल स्पोर्टर, उनको अपनी जगह पे बनाए रखने का काम कोलेनकाइमा का रहता है। तो डायग्राम से समझ सकते हैं, ये जो सिंपल सेल हैं, थिन जो थिन सेल वाल होती हैं इनके अंदर, और इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलेगा, तो वो पैरेन्काइमा है। और उसके बाद जो कोलेनकाइमा वो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं, और ये कोई भी यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्नर से जो सेल है वो थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेगी। किसकी वजह से? जो हैमी सेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन है वो यहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल है वो लॉन्ग नैरो होती हैं, पतली होती हैं और लंबी सेल पाई जाती हैं विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वाल, जो कि मोटी होती हैं, और लिग्निफाइड का मतलब वहाँ पे लिग्निन जो सब्सटेंस है वो सेल वाल के अंदर पाया जाता है। हैविंग ए फ्यू और न्यूमरस पिट, और काफ़ी सारे छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिलते हैं, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेल डेड मिलेंगी और विदाउट प्रोटोप्लास्ट, सूखी होती हैं, अंदर कोई भी मटेरियल इनके पास नहीं मिलता, साइटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। कंपोनेंट्स होते हैं इसके फाइबर्स, फाइबर कैसे होते हैं? थिक वाल्ड, मोटी वाल होती हैं, यानी कि इलोंगेटेड लंबे होते हैं और पॉइंटेड नुकीले होते हैं, ये सिरों से जनरली अकर्स इन ग्रुप्स, और कई बार ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। स्क्लेराइट्स स्फेरिकल होती हैं, ये गोल होती हैं, ओवल शेप की मिलेंगी या सिलेंड्रिकल शेप भी देखने को मिल सकती है। हाईली थिकन्ड डेड सेल्स, और काफ़ी मोटाई इनकी सेल की देखने को मिलेगी विद वेरी नैरो ल्यूमन या फिर कैविटी, इनकी जो कैविटी है वो बिल्कुल पतली देखने को मिलती है। जो इनके इंटरनल स्पेस होता है वो कम मिलेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, तो ऑर्गन के अंदर जो स्पेस है वो भी कम मिलेगा। उसके बाद फाउंड इन फ्रूट वाल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ द फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, स्पैटो, तो ये कहाँ कहाँ पे मिलती हैं? तो वो नट्स हैं जो अखरोट वगैरह उनकी वाल में पाया जाता है। पल्प ऑफ द फ्रूट्स लाइक गुआवा, तो पल्प जो छिलका होता है गुआवा के अंदर, उसके अंदर पाई जाती हैं। पियर नाशपाती के अंदर, स्पैटो ऐसे ही जो फल है उसके अंदर पाया जाता है। सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स जो दाड़ें होती हैं उनकी सीड कोट में पाया जाता है, और साथ में जो मोटी परत होती है सीड को कवर करती है उसके अंदर, और जो लीव्स ऑफ टी, चाय की पत्तियों में भी देखने को मिलता है। उसके बाद हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जो इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट है वो अब्सेंट मिलेगा, कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं है, लेकिन जो सेल वाल हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, डेड होती हैं सेल वाल, और अलग अलग शेप इनकी देखने को मिलती हैं। एनसीईआरटी डायग्राम से समझते हैं, जैसे सबसे पहले जो A1 और A2 है ये पैरेन्काइमा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, सेल एक ही टाइप की हैं। यदि हम उनको क्रॉस सेक्शन उनके अलग अलग लेते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जो इंटरसेक्चुअल स्पेस है वो काफ़ी सारा देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही इसको लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज काटते हैं तो हम प्लांट सेल जो नॉर्मल सेल दिखाई देती है, जैसे न्यूक्लियस है, बीच में काफ़ी जो वैक्यूल है वो सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल काफ़ी साइज में देखने को मिलता है, नॉर्मल जो प्लांट सेल हम बनाते हैं तो उस टाइप की जो सेल्स हैं ये देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही हम स्टेम को इस तरीके से काटते हैं, स्टेम को लेंथ वाइज काटा जाता है तो इस टाइप का सेक्शन रहेगा, और यदि क्रॉस सेक्शन वाइज, ट्रांसवर्स सेक्शन वाइज काटेंगे तो ऊपर से राउंड राउंड सर्कल दिखाई देंगी। इसी प्रकार से जो कोलेनकाइमा है, ऊपर से जब हम काट के देखते हैं तो डिपोजिशन देखने को मिलेगी, वाल थिकनिंग होती है लेकिन इनकी वजह से, और जो नॉर्मल जो सेल हैं वो भी ऐसे नॉर्मल दिखाई देंगे इनके अंदर, लेकिन जो कॉर्नर पे थिकनिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। दोनों ही टाइप की जो लाइव सेल्स होती हैं ये, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उसके अंदर जो C1 और C2 है वो अलग अलग, जो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ल्यूमिन है काफ़ी कम देखने को मिलती है, नैरो ल्यूमिन, जो ये फाइबर्स हैं और ये स्क्लेराइड्स हैं। स्क्लेराइड्स और जो फाइबर हमने डिस्कस किए थे तो उनकी ही ये पिक है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था, जो फाइबर्स हैं वो थिक वाल्ड के होते हैं, लॉन्गिट्यूड पॉइंट एंड मिलेगा, तो ये फाइबर्स हैं और ये स्क्लेराइड्स होते हैं, तो इनके जो सेक्शन है वो अलग अलग
हम यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद है जाइलम, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है। तो ये क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू, जो वाटर और मिनरल्स को प्लांट के रूट से लेके स्टेम या लीव्स तक जो लेके जाता है, कंडक्शन करता है, तो उस टिश्यू को हम जाइलम बोलते हैं। इसका काम मेनली पानी को ट्रांसपोर्ट करना और पानी में घुले हुए जो मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। साथ में ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो तने को जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखने में मदद करता है। टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम जो पहले बनता है, सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है। तो प्राइमरी जाइलम के दो टाइप होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी मेटाजाइलम। और प्राइमरी मेटाजाइलम में भी जो पहला भाग बनता है उसको प्रोटोजाइलम, प्रोटो मतलब पहले, पहले जो जाइलम बनता है, और मेटाजाइलम बाद में जो बना हुआ जो जाइलम है, एक ही जाइलम का जो पहले और बाद वाले भाग को प्रोटो और मेटाजाइलम बोला जाता है। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, कि जो इनके अरेंजमेंट है उसके बेस पे जो जाइलम है वो, उनके जो अरेंजमेंट अलग अलग पाए जाते हैं, एंडारक और एग्जारक। एंडारक के अंदर क्या रहेगा? प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ मिलेगा। जब हम क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे स्टेम का या लीव्स का या रूट्स का, तो उनमें जो बिल्कुल सेंटर की तरफ रहता है जो जाइलम का पार्ट, उसमें वो प्रोटोजाइलम मिलेगा। जबकि प्रोटोजाइलम इसमें पेरिफेरी की तरफ मिलता है, एग्जारक मतलब बाहर की तरफ, एंडारक मतलब अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम से रिलेटेड रहेगा। और यदि एक भाग यदि अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, तो मेटाजाइलम इसमें पेरिफेरी में रहेगा, जैसे कि स्टेम्स में देखने को मिलता है, स्टेम का जो क्रॉस सेक्शन उसमें देखेंगे। और जो रूट्स हैं उनके अंदर जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ मिलता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ मिलेगा, उसको एग्जारक कंडीशन बोला जाता है। उसके बाद है जाइलम के कंपोनेंट्स, किस किस चीज से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड्स होती हैं, ट्रैकिड्स इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक और एंड लिग्निफाइड वाल्स। तो लंबी सेल होती हैं ये, ट्यूब जैसी सेल्स होती हैं, अंदर से खाली होती हैं, और जो कि थिक मोटी होती हैं, और लिग्नि सब्सटेंस इनके अंदर डिपॉजिट होता है। जो एंड है इसके नुकीले एंड टैंपरिंग, टैंपरिंग एक एंड होते हैं जो थोड़े से नुकीले एंड बोल सकते हैं हम, जैसे जो नीफ है, नीफ का जो टैपरिंग एंड है वैसे वो इतना नुकीला नहीं होता। तो एक वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो थीनिंग देखने को मिलती है, थोड़ी सी नैरोर पार्ट होता है, एंड डेड और मृत होती हैं सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इनमें नहीं पाया जाता। विद वेसल्स फॉर्म मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, तो इनके अंदर वेसल्स भी, वेसल्स के साथ मिलके जो ट्रैकिड्स हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करती हैं। उसके बाद है वेसल्स, वेसल्स भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनके अंदर लिग्निफाइड वाल्स प्रेजेंट होती हैं। ए लार्ज सेंट्रल कैविटी, इनकी जो कैविटी है वो थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो इनके बीच में जो स्पेस है, ल्यूमिन है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन, तो जो ये सेल हैं वो एक सेल दूसरी सेल के साथ कॉमन वाल, उनके बीच में एक परत प्रेजेंट होती है जिसके बीच में जो कि परफोरेटेड होती है, छिद्र होते हैं उसके अंदर। वेसल्स इज ए करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में ही वेसल पाई जाती है, जबकि जो दूसरे प्लांट के डिवीजन हमने पढ़े थे जैसे जो टेरिडोफाइट है और एंजियोस्पर्म, इन्हीं के अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, उनके अंदर वेसल्स अब्सेंट होती हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में पाए जाती है केवल ये। उसके बाद जाइलम फाइबर्स, ये थिकंड वाल होती है, इनकी मोटी वाल होती है बहुत ज़्यादा, और ओब्लिट्रेटेड सेंट्रल ल्यूमिन्स, तो इनकी जो ल्यूमिन है वो कम देखने को मिलती है, मे बी सेप्टेट और एसेप्टेट, हो सकता है सेल के बीच में वाल बनी हुई हों जिसकी वजह से अलग अलग सेल सेपरेट की गई, हो सकता है वो सेपरेट ना भी हो सकती हैं, एसेप्टेट कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये लिविंग सेल होती हैं, थिन वाल्ड पतली इनकी सेल वाल पाई जाएंगी, सेलोलॉजिक सेल वाल हैं। इसका काम होता है स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च फैट एंड टैनिंग, तो इन फॉर्म में ये खाने को स्टोर करने का काम करती है। रेडियल कंडक्शन टेक प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल, तो जो भी साइड के अंदर जितना भी वाटर या मिनरल्स वगैरह वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो पैरेन्काइमेटस रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। रे का मतलब जो एक किरण से निकलती है, जैसे सेंटर से रेज निकलती हैं, तो इस तरीके से जो सेंट्रल पोर्शन होता है, मेन एक्सिस होती है स्टेम, उससे जो ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, उनके पास जो भी कंडक्शन होता है वो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद डायग्राम से हम अलग अलग पार्ट हम वो देख सकते हैं, जो जाइलम वेसल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ट्रैकिड्स सेंटर में प्रेजेंट होती हैं, पतली वेसल्स होती हैं, पतली जो ट्यूब होती हैं, वेसल्स थोड़ी सी मोटी ट्यूब होंगी, और जो कि परफोरेटेड
वाल्स के द्वारा, एक सेल से ये एक सेल होगी, ये दूसरी सेल होगी, इनके बीच में जो सेप्टा है उनके अंदर काफ़ी छिद्र देखने को मिलते हैं। उसके बाद जाइलम फाइबर्स होते हैं जो कि इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो रे पैरेन्काइमेटा सेल होती हैं जो कि साइड में वाटर जितना भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। उसके बाद फिलोम, फिलोम क्या करता है, फूड मटेरियल है उसके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, कहाँ से कहाँ, जैसे पत्तों में खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो उसको प्लांट के दूसरे भाग में लेके जाने का काम करता है। जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल्स, एल्बुमिनस मतलब एंडोस्पर्मिक सेल्स पाई जाती है, एंडोस्पर्म वहाँ पे मतलब एक रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, और साथ में सीव सेल्स भी पाई जाती हैं, एक एक्स्ट्रा मटेरियल देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, ये हम समझ सकते हैं एल्बुमिनस का मतलब। और इस सीड में एल्बुमिनस एक्स एल्बुमिनस सीड एंडोस्पर्म से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक एल्बुमिन सब्सटेंस देखने को मिलता है, एल्बुमिनस सेल होती हैं, और सीव सेल्स भी देखने को मिलेंगी जिम्नोस्पर्म में, ये कंपोनेंट होता है फिलोम का, और लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीव ट्यूब हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, वो नहीं पाई जाती। सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स मिलके सीव एलिमेंट्स बनाती हैं जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, और साथ में कंपेनियन सेल हैं वो भी एंजियोस्पर्म की खास बात है, वो जिम्नोस्पर्म में एबसेंट होती हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनने के बेस पे, जो जैसे हमने जाइलम देखा था प्रोटोजाइलम, मेटा जाइलम, और यहाँ पे प्रोटोफिलोम मेटाफिलोम रहेगा, जो पहले बनता है प्राइमरी फिलोम का वो भाग जो पहले बनता है उसको प्रोटोफिलोम बोला जाता है, जिसके अंदर जो मेन खास बात है नैरो सीव ट्यूब्स, पतली जो ट्यूब्स हैं सीव ट्यूब्स वो पतली देखने को मिलेंगी। सीव का मतलब छालनी होती है, जैसे छिद्र युक्त जो ट्यूब होती हैं उनको, उनके लिए सीव वर्ड यहाँ पे देखने को मिला। मेटाजाइलम मेटाफिलोम जो बाद में बनता है, और इसके अंदर जो सीव ट्यूब्स हैं वो बिगर देखने को मिलती हैं, साइज उनका बड़ा देखने को मिलेगा। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ फिलोम, फिलोम में जैसे सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या चीज़ होती हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ वाइज अरेंज होते हैं स्टेम या लीव्स या ब्रांचेज के, एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, इनके साथ में कंपेनियन सेल भी प्रेजेंट होती हैं। एंड वाल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म ए सीव प्लेट, तो जो इनकी एक सेल की जो दूसरी सेल के साथ जो कनेक्शन होता है वो बीच में सीव प्लेट होते हैं, और उसके अंदर काफ़ी छिद्र देखने को मिलते हैं। पोसेस ए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज वैक्यूल, तो इनके पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म वो बाहर की तरफ देखने को मिलता है, और वैक्यूल बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है, खाली जगह प्रेजेंट होती है, बट लैक न्यूक्लियस, तो इनका जो न्यूक्लियस एबसेंट होता है, खास बात होती है न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे जो एनिमल्स हैं उनमें आरबीसी के अंदर, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एकमात्र ऐसी सेल होती हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्लांट में जो सीव ट्यूब की जो सेल होती हैं सीव सेल्स उनके पास नहीं होता, और जो इनका फंक्शन है इसलिए वो कंपेनियन सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जितना भी न्यूक्लियस का काम है वो कंपेनियन सेल साथी कोशिकाएं जिसको बोलते हैं वो करती हैं। और कंपेनियन सेल क्या है, वो सीव ट्यूब्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड मिलती हैं, उनके पास में मिलेगी हमेशा, बायपिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन दैम कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वाल, और जो पिट हैं छोटे छोटे गड्ढे हैं सीव एलिमेंट्स के पास वहाँ पे मिलेगी ये, और बिटवीन दियर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वाल, जो उनकी लॉन्गिट्यूडनल वाल होती है, दो दो सीव एलिमेंट्स की लॉन्गिट्यूडनल वाल है कॉमन, बीच में जो एक दीवार का काम करती है उनके पास पाई जाती हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, तो जो प्रेशर है उसको बनाए रखने का काम करती है, उसी के बेस पे जो भी फूड मटेरियल है वो एक भाग से दूसरे भाग में भेजा जाता है। उसके बाद फिलोएम पैरेन्काइमा, ये इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसके अंदर वो पैरेन्काइमेटस सारी करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पे लिविंग स्टेट मिलेगी देखने के लिए सेल की, और डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, सेलुलोजिक सेल वाल पाई जाती है, और छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं जो कि प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं, और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। स्टोर फूड, तो इनका काम खाना स्टोर करना भी होता है, कि इस फॉर्म में रेजिन लेटेक्स और म्यूकिलेज होता है, जो अलग अलग जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जो उनको मिलते हैं रेजिन लेटेक्स वगैरह, तो वो भी स्टोर करने का काम करते हैं। और ये मोनोकोटिलेडन में जो फिलोएम पैरेन्काइमा है वो एब्सेंट होती हैं, जो गास होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो उनके अंदर ये एब्सेंट होती है। फिलोएम फाइबर्स, बास्ट फाइबर भी इनको बोला जाता है, ये इलोंगेटेड लंबी अनब्रांचड, अनब्रांचड मतलब
इनकी कोई टहनियाँ वगैरह देखने को नहीं मिलती, सेल एक सिंपल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, पॉइंटेड नुकीले सिरे मिलेंगे, नीडल लाइक एपिक्स सुई जैसे किनारे देखने को मिलते हैं, थिक सेल वाल मोटी इनकी सेल वाल पाई जाएंगी, अब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में अब्सेंट होते हैं लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में ही ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम का काम क्या होता है, वुडी फ्लोएम होता है ये, मतलब जो सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम के बाद जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है तो प्राइमरी फ्लोएम साइड में हटता रहता है, तो ये बाद वाले स्ट्रक्चर में, बाद वाले फ्लोएम में देखने को मिलते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट का काम रहेगा इनका। मैच्योरिटी के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म इनका खो जाता है मतलब गायब हो जाता है, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और डेड हो जाती हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट फ्लैक्स हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली, तो जो फ्लोएम है उनके जो फाइबर्स हैं, जैसे जूट है, जूट के अंदर है, फ्लैक्स के अंदर है, हेम्प के अंदर, हम रस्सियाँ वगैरह बनाने में, मैट वगैरह बनाने में काफ़ी जगह पर इनको यूज करते हैं। उसके बाद फ्लोएम के कंपोनेंट हम देख सकते हैं, जैसे फाइबर है, फाइबर के टैपरिंग एंड देखने को मिलेंगे और मोटी जो इनकी सेल वाल देखने को मिलती है, सीव एरिया जो छिद्र से युक्त देखने का एरिया देखने को मिल रहा है आपको, वो क्या है, सीव एरिया है, ये सीव प्लेट है जो एक सेल को दूसरी सेल के बीच में कनेक्शन होता है वो सीव प्लेट के जरिए रहेगा, और वो भी परफोरेटेड होती हैं, और साथ में जो इनका काम है सीव ट्यूब एलिमेंट का, वो कंपेनियन सेल देखती है, न्यूक्लियस इन्हीं के पास होता है, तो सीव ट्यूब और सीव सेल से मिलकर सीव एलिमेंट्स बनते हैं। और उसके बाद हम कंपेनियन सेल और थोड़ा सा जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है डायग्रामेटिक रूप में देख सकते हैं, सीव प्लेट है, ये सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल हैं, और सीव प्लेट से क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें सीव ट्यूब्स बीचों बीच प्रेजेंट हैं जो कि छिद्र से दिखाई दे रहे हैं, और कंपेनियन सेल इनके पास में जो लॉन्गिट्यूडनल स्पेस होता है इनका, तो वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, थोड़े से स्पेस में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद और थोड़ा सा हम रियलिस्टिक पिक है वो देख सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, वैसे होती हैं पाइप जैसे स्ट्रक्चर हैं लेकिन वन वे फ्लो होता है, यहाँ पे रूट से जो पानी है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और ऊपर की तरफ रहेगा प्लांट पार्ट में, रियल पार्ट की तरफ, और यहाँ पे वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नो एंड वाल, यहाँ पे कोई एंड वाल देखने को नहीं मिलेगी, खाली होते हैं ये अंदर से, सिफ्टेड विद लिग्निन, स्टिफ्ड विद लिग्निन, जो बाहर की जो परत होती है वो मजबूत होती है लिग्निन सब्सटेंस की वजह से, तो जैसे अर्थ के अंदर वाटर और मिनरल पाए जाते हैं जबकि फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट हैं उनको ऊपर से और नीचे से किसी भी तरीके से जो भी ग्लूकोज वगैरह जो बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट उनको हम बाई डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है, जाइलम में यूनि डायरेक्शन रहता है लेकिन इसमें टू वे फ्लो, मल्टी डायरेक्शनल भी देखने को मिल सकता है, जैसे एरो का निशान इसमें अपवर्ड है, इसमें दोनों साइड में है, तो यहाँ पर परफोरेटेड वाल देखने को मिलेगी। वाटर एंड फूड है वो साथ साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट का काम करते हैं, मास फ्लो हाइपोथीसिस है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड वाल विद परफोरेशन, तो जो एंड वाल पाई जाती है इनके बीच में और उनके बीच में छिद्र पाए जाते हैं, इनमें कोई एंड वाल देखने को नहीं मिलेगी, खाली होते हैं अंदर से। उसके बाद है टिश्यू सिस्टम, ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा, तो टिश्यू सिस्टम, टिश्यू वेरी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंडिंग ऑन दियर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी, कि प्लांट की बॉडी में, प्लांट के जो शरीर में टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, उनके क्या क्या काम है, उसके बेस पे इनके जो टाइप हैं वो अलग अलग देखने को मिलेंगे, उनकी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग मिलती है, काम भी उनके अलग अलग देखने को मिलेंगे। थ्री टाइप के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं, सबसे पहले ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम होता है जो कि मेन जो टिश्यू है जो पैकिंग वगैरह काम करेगा उसके बारे में डिटेल आगे देखेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि एपिडर्मिस जो स्किन वगैरह जो पोर्शन है, बाहरी जो परत बनाता है प्लांट की प्रोटेक्शन करता है इनर सेल की, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहलाता है। वैस्कुलर जो हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़े हैं कंडक्टिंग टिश्यू, वो वैस्कुलर टिश्यू का काम करते हैं, तो मेनली तीन ही टाइप के टिश्यू सिस्टम है वो देखने को मिलते हैं प्लांट में। सबसे पहले ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, तो ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एक प्लांट के अंदर वो सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, जो बेसिक टिश्यू सिस्टम है उसको बनाते हैं। और ये किसके बने होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। पैरेन्काइमा सेल इन कॉर्टेक्स पेरिसाइकल पिथ मेडुलरी रेज इन प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट, तो जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स और मेडुला जो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स बाहरी रीजन को बोला जाता है, मेडुला अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है, सेंट्रल पार्ट को, पिथ बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। पेरिसाइकल ये हम जो ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे रूट स्टेम्स के, तो वहाँ पे ये अलग अलग पार्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो पैरेन्काइमेटस सेल हैं वो यहाँ पे पैकिंग का काम करती हैं। मीजोफिल
जो कि लीव्स के अंदर पाई जाती हैं, ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वाल्ड प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स इन लीव्स। तो लीव्स के अंदर पाई जाती हैं मीजोफिल्स, इनके अंदर जो ये वाल है थिन मिलेगी, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसी के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो ये हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे तीनों टाइप के टिश्यू सिस्टम है वो एक सिंगल डायग्राम में दिखा रखे हैं। जैसे ही हम प्लांट को बिल्कुल ट्रांसवर्सली काटेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल काटें तो लेंथ वाइज काटा जाता है, लेकिन ट्रांसवर्सली काटा जाता है तो इसके अंदर जो बाहरी पोर्शन होता है स्किन का काम करेगा, जो उसको डर्मल टिश्यू बोलते हैं, बाकी जो बीच में पैकिंग का काम रहेगा वो ग्राउंड टिश्यू, और जो जाइलम और फिलोम होते हैं वो वैस्कुलर टिश्यू का काम करते हैं। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू हम यहाँ पे और थोड़ा सा रियलिस्टिक पिक देख सकते हैं, जिसके अंदर बाहरी जो पोर्शन होता है जहाँ पे हेयर वगैरह, रूट हेयर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स के ऊपर भी कुछ जो पोर्शन है वो प्रेजेंट होता है, तो वो एपिडर्मल टिश्यू के अंदर आ जाता है। डर्मल टिश्यू सिस्टम ग्राउंड, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद बीच वाला जो भी पोर्शन आ जाता है उसको हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, और जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं तो उसको वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। प्राइमरी प्लांट बॉडी क्यों, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो बात बार बार्क आ जाती है, डेड सेल आ जाती है, लेकिन जो नॉर्मल यंग प्लांट बॉडी होती है तो उसके अंदर बाहर की जो परत है वो एपिडर्मिस के द्वारा बनाई गई होती है, मेड ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल। तो किसके बनी होती हैं, लंबी सेल प्रेजेंट होती हैं इसमें और कॉम्पैक्टली पास पास अरेंज होती हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम होता है, और कंटिन्यूस और सिंगल लेयर बनाती हैं, ये लगातार लेयर बनाती है, बीच में कोई खाली जगह नहीं मिलती। कॉम्प्राइजिज एपिडर्मल सेल स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडिजिज। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, एपिडर्मल सेल पाई जाती हैं, स्टोमेटा पत्तों में देखने को मिलेंगे, एपिडर्मल अपेंडिज जैसे ट्राइकोम्स हैं, ये मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मे बी सिक्रेटरी और सॉफ्ट और स्टिफ, तो अलग अलग फॉर्म इसकी देखने को मिल जाती हैं ट्राइकोम्स। तो ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टेम के ऊपर, ब्रांचड और अनब्रांचड भी हो सकती हैं, और सिक्रेटरी इनका काम कुछ सिक्रेट करने का भी हो सकता है। ये नरम भी हो सकती हैं और मजबूत भी, टफ भी देखने को मिल सकती हैं। हेयर यूनिसेलुलर होते हैं ये, इलोंगेशंस एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, तो ये ज़्यादातर रूट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हेयर और ट्राइकोम में थोड़ा सा फर्क रहता है कि जो ये मल्टी सेलुलरिटी है, जैसे इसमें यूनिसेलुलरिटी है हेयर में, और इलोंगेशन है इसमें ब्रांचड है, तो ये अनब्रांचड देखने को मिलते हैं हेयर ज़्यादातर, और वाटर एब्जॉर्प्शन का काम रहता है। ट्राइकोम वैसे ही एक जनरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। क्यूटिकल एक वैक्सी थिक लेयर आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर एक मोटी मोम जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसका काम क्या रहता है, अब रूट में एब्सेंट होती है क्योंकि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का रहेगा। नॉर्मली जो भी सूट सिस्टम है उसके अंदर इसका काम वाटर लॉस से बचाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, जो एवेपोरेशन के टाइम, ट्रांसपरेशन के टाइम पे वाटर लॉस होता है उससे बचाती हैं। तो उसके बाद हम ट्राइकोम्स हैं वो देख सकते हैं, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू है थोड़ा सा, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और जो हेयर्स होते हैं वो रूट के अंदर पाए जाते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, ये ब्रांचड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसकी मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मल टिश्यू की ही मॉडिफिकेशन है। उसके बाद स्टोमेटा, ये लीव्स में पाए जाते हैं, ये भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही एक मॉडिफिकेशन होते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लीव्स एपिडर्मिस, जो लीव्स पत्तों की जो सतह होती है उनके अंदर पाए जाते हैं, रेटिकुलेट रेगुलेट ट्रांसपिरेशन, जो वाष्पोत्सर्जन है, वाटर लॉस होता है, पानी उड़ता है पत्तों में उसको कंट्रोल रेगुलेट करते हैं, गैसियस एक्सचेंज भी में भी मदद करते हैं। स्टोमेटल अपरेटस, जो स्टोमेटा है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, एक तो उसके अंदर अपर्चर होती है, छिद्र होता है, और वो छिद्र किसके द्वारा कवर किया जाता है, गार्ड सेल्स के द्वारा, जो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, और गार्ड सेल के बाहर सबसाइडरी सेल है जो उसकी मदद करने के लिए सहायक कोशिकाएं जिसको बोलते हैं। गार्ड सेल्स क्या होती हैं, बीन शेप्ड सोयाबीन होता है, किडनी किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं किसके अंदर, डाइकोटिलेडन प्लांट में, जबकि डम्बल शेप्ड होती हैं ये ग्रासीज के अंदर, मोनोकोटिलेडन के अंदर, और ये क्या करती हैं, स्टोमेटल पोर को एनक्लोज करती हैं, कवर करती हैं स्टोमेटल अपर्चर को। आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, जो बाहर की तरफ वॉल होती है स्टोमेटल पोर से दूसरी साइड में, वो थिन होती है, और जबकि इनर वाल होती हैं जो स्टोमेटल पोर की तरफ होती हैं वो थोड़ी सी थीक होती हैं, डायग्राम में हम देखेंगे। और पोसेसिज क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और
किसको ये स्टोमेटल जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको रेगुलेट करती हैं। सबसाइडरी सेल स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होती हैं जो कि गार्ड सेल के पड़ोस में पाई जाती हैं, विसिनिटियाँ मतलब आस पड़ोस के एरिया के अंदर पाई जाती हैं। तो ये रियल जो माइक्रोस्कोपिक पिक है वो देख सकते हैं, जो किडनी शेप्ड सेल हैं वो क्या हैं, गार्ड सेल, और उनके पास में जितनी भी जो पास पास की सेल हैं वो सबसाइडरी सेल हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो नॉर्मल प्लांट सेल है उससे थोड़ा सा अलग देखने को मिलेंगी। और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा हम देख सकते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली क्या है कि जो अपर्चर है, स्टोमेटल अपर्चर हो गया, और उसके अंदर जो गार्ड सेल है उस अपर्चर वाली साइड तरफ थोड़ी मोटी होती हैं, बाहर की तरफ जो है वो थिन होती हैं। तो जैसे इनके अंदर वाटर भरता है तो ये स्वेल हो जाती हैं, स्वेल होंगे तो जो स्ट्रोमेटा है वो ओपन हो जाता है, जबकि जैसे ही वाटर इनमें से ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है तो ये श्रिंक हो जाती है, श्रिंक होते ही जो स्ट्रोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। तो वाटर एंटर करेगा तो ओपनिंग, और वाटर यदि इनमें से बाहर निकल जाता है तो क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा देखने को मिलता है। उसके बाद है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो कि हम जनरल आइडिया पढ़ चुके हैं, ये फ्लोएम और जाइलम से मिलकर बनता है, और कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम इन डाइकोटिलेडन प्लांट। डाइकोटिलेडन प्लांट में जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, जो मोटाई वगैरह है पौधे की उसको प्राप्त करने में मदद करता है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। ये दो टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल है जिनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है डाइकोटिलेडन प्लांट में, तो जो क्या करते हैं सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बनाने की कैपेसिटी इनके पास होती है। तो यहाँ पे ग्रोथ है ओपन होती है, वो ग्रोथ आगे के आगे हो सकती है, लेकिन क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल में जो ग्रोथ है वो सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, जो कि मोनोकोटिलेडन की खास बात होती है। इसी की वजह से उनके स्टेम और नरम होते हैं, इनमें ग्रोथ होती रहती है, तो मोटाई ज्यादा से ज्यादा मिलेगी तो ये डाइकोटिलेडन प्लांट है वो मजबूत मिलेंगे। तो यहाँ पे कैम्बियम और क्लोज्ड के अंदर अब्सेंट होते हैं, तो ग्रोथ यहाँ पे लिमिटेड देखने को मिलेगी। और अरेंजमेंट के बेस पे वैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो रेडियल अरेंजमेंट भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट रेडियस पे। जैसे सेंटर है, सेंटर की अलग अलग जो रेडियस है तो उसके ऊपर अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं, जाइलम एक अलग रेडियस पे पाएगा, फ्लोएम एक अलग। डायग्राम में देखें कॉन्जॉइंट में क्या है, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो फ्लोएम है वो जाइलम से बाहर की तरफ मिलेगा, जाइलम सेंटर की तरफ मिलता है, सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस इन स्टेम और लीव्स में देखने को मिलता है। ये टाइप का अरेंजमेंट रूट्स में पाया जाता है रेडियल, कॉन्जॉइंट जो स्टेम और सेलो लीव्स में देखने को मिलता है। तो जो भी सेंट्रल पिक होती है, जो हमने पहले भी देखा है कि वैस्कुलर बंडल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनते हैं। जो आप बड़े बड़े जो सर्कल देख रहे हैं जाइलम है, और जो बीच में जो इनके बीच में जो स्पेस होता है तो वो फ्लोएम का रहेगा। बाकी यहाँ पे भी जो फ्लोएम है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, कई बार वो डिपेंड करता है कि रेडियल अरेंजमेंट है या फिर कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग रेडियस पे है, ये एक जैसे सेंटर है, सेंटर की अलग रेडियस यहाँ पे जा रही है, एक रेडियस यहाँ पे है, तो ये अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट हैं, तो जिसकी वजह से रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा जो कि रूट्स में पाया जाता है। जबकि एक ही रेडियस पे, ये एक सिंगल पीक है, जैसे ये वाली पीक है, थोड़ा सा इसको यदि एक्सप्लेन करें तो हम अलग डायग्राम के अंदर, तो फ्लोएम इसमें बाहर की तरफ रहेगा, जाइलम सेंटर की तरफ रहेगा, लेकिन रेडियस इनकी सेम रहेगी, तो उसको हम कॉन्जॉइंट टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं, और ये तने में और पत्तों में देखने को मिलता है।